पाकिस्तान के बांग्लादेश बना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में इंदिरा जी को क्या कहा, दुर्गा। आज अगर नरेंद्र मोदी लद्दाख के अंदर और 56 इंच की जाती गोली खाने के लिए जवान से पहले तैयार खड़े हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हैं हमारे साथ, मुकेश नाइक हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बहुत अहम भूमिका उनकी रही है, इसके अलावा एम एस बिट्टा चेयरमैन है AIATF के। आपको बता देती हूँ इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह हैं। श्रीनगर से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और आप जानते हैं तस्वीरें क्यों आई हैं, क्योंकि हम आपको बार बार जी न्यूज़ का ब्रॉडकास्ट अगर आपने देखा हो तो कारगिल विजय दिवस 21 साल बड़ा सवाल, हिंदुस्तान इन 21 सालों में कितना बदला। आज ये भी मंथन करने का, इस बात का भी मंथन करने का दिन है कि 1999 में कौन से देश थे जो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए थे कारगिल संकट के समय, और आज किस तरह से दुनिया हिंदुस्तान के साथ 2020 में खड़ी दिखाई देती है। बिट्टा सर आपके पास आ रही हूं, और आज जब हम कारगिल विजय दिवस की बात कर रहे हैं तो कारगिल में जो जवान शहीद हुए थे उनके परिवारों को लेकर विज्ञान भवन में आपके द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, उनकी शहादत को याद किया गया था, 1999 की यहां पर बात कर रही हूं। आज जब आपसे इस चर्चा में बात कर रही हूं, क्योंकि मैं मुझे लगता है सेना पर आप बहस नहीं कर सकते, बड़ी बात यह है हम बीते दिनों में ये सुनते हैं 1962 का भारत नहीं है, यहां पर तो आज कहना पड़ेगा ये 1999 का भी भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है जो हर मामले में 21 है। पहले तो मैडम मैं कहना चाहूंगा उन जवानों को याद करते हुए, जब जवान मौत का कफन बांध करके निकलता है घर से, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों की तरफ देखता है, उसकी आंखें नम होती हैं, उसको पता होता है मैं शायद वापस ना आऊं, और उनके बच्चे, उसकी पत्नी, उनके माता पिता ये सोचते हैं कि हमारा बेटा, हमारा पति जल्दी वापस आएगा, पिता जल्दी वापस आएगा, और जाते हुए गीत गाता जाता है, मुख में बंदे मातरम, तन में बंदे मातरम, शरीर से चलते हुए खून में बंदे मातरम, खंजर कातल कभी भी खत्म कर देना हमें, आखिर में चीख भी निकलेगी निकलेगी, बंदे मातरम बंदे मातरम, ये जवान कहता है। और एक महीने के अंदर मैंने कई जवानों से ऐसे बातें की, एक महीने में 15 दिन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में उस जवान की बॉडी उसके माता पिता पत्नी बच्चों के सामने आती है, जो कहते थे हमारा पति हमारा बेटा जिंदा वापस आएगा, यह हिंदुस्तान के उस जवान की बहादुरी है। और जिस तरीके से पात्रा साहब ने बोला कि लीडरशिप, जब बांग्लादेश के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान के बांग्लादेश बना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में इंदिरा जी को क्या कहा, दुर्गा, कहा या नहीं। आज अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सर्जिकल ऑपरेशन 370 द्वारा लद्दाख के अंदर सामने चाइना की गोलियां तैयार खड़ी हैं और 56 इंच की छाती जिसका मजाक उड़ाती थी दुनिया, या विरोधी मजाक उड़ाते थे, छाती चौड़ी करके गोली खाने के लिए जवान से पहले तैयार खड़े हैं, यह 1920 का भारत है, ये आज का भारत है, ये पहले का भारत नहीं। कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई CPM नहीं, CPI नहीं, प्रथम राष्ट्र है। और उसके बाद हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, क्या कभी ऐसे हुआ जवानों के बीच में नारे लगाने, वंदे मातरम भारत माता की जय बोले सोनिहाल, एक जज्बा पैदा करना, जो कहा पात्रा जी ने, इसको कहते हैं लीडरशिप। पहले प्रधानमंत्री कहता मैं सीने पे गोली खाऊंगा, डिफेंस मिनिस्टर कहता मैं सीने पे गोली खाऊंगा, फिर हिंदुस्तान का जवान गोली खाएगा, ये है आज का हिंदुस्तान। आज नहीं तो हमने कल जाना है। क्या है, पॉलिटिकल पार्टियां आती जाती रहती, पॉलिटिकल पार्टियां सरकारें, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, हमारी औकात क्या है मातृभूमि के सामने। कोई विरोध करता करता रहे, इस विरोधों का कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया देख रही है, अमेरिका देख रहा है, दुनिया देख रही है आज के भारत को। MS बिट्टा जल्दी से आपका कमेंट सर। देखो मैडम, जो हम सर आप मुझे अदिति बुला सकते हैं, नहीं जो आपने बात कही वो सच निकली लीडरशिप की। कौन है जनरल विक्रम सिंह, फौज के ऊपर फौज के जनरल, और कश्मीर के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्या कहा उन्होंने हिंदुस्तान की लीडरशिप के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के ऊपर उन्होंने कहा कि अच्छी तरह फौज को काम कर रही है, हमारी लीडरशिप, हमारी दुनिया में नाम हुआ है। और
पाकिस्तान के बारे में आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, बार बार पाकिस्तान ने धोखा दिया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए हो, जैसे पात्रा जी ने बोला, चाहे नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए हो, और उसके बाद दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, हमें विश्वास अब नहीं करना है, चाइना हो या पाकिस्तान हो। और 26 जनवरी को बता दिया, हमने किसी के ऊपर गोला बारूद नहीं चलाया, हमने बता दिया कि आज का भारत क्या है, ये 26 जनवरी को बता दिया, और दुनिया ने देखा है हिंदुस्तान की ताकत, आज हिंदुस्तान के साथ दुनिया खड़ी है और खड़ी रहेगी। और भी अच्छा होता अगर इस योगदान की लिस्ट में, जब गलवान में चीनी सैनिकों की बात की जा रही है, उनकी तरफ से लगातार गुस्ताखी करने की कोशिश की जा रही है, तब भी ये पूरा देश, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ एक सुर में एक बात कहती, जय हिंद कहती, भारत सरकार के साथ, भारत फौज के, भारत की भारतीय जो सेना है उसके साथ खड़ी दिखाई दी, तो और भी अच्छा होता। एक बड़ा मैसेज जाता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात यहां पर रखने के लिए।